चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के 400 से अधिक सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। वही समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना है, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जो उनके बड़े नेता, उनका कहना, उनका दावा है कि 40 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। सीधे हम बनारस की जनता से बातचीत करेंगे कि बनारस की जनता क्या सोचती है, चुनावी माहौल क्या है। देखिए, दावा कर दिया गया है सपा की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें वो जीत रहे हैं। देखिए, ये दावा जिसने किया, रामगोपाल यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो खुद राज्यसभा से चुन के जाते हैं। उनके में इतना साहस नहीं है कि जनता के बीच आए, चुनाव लड़ करके जाए। तो जिसको खुद साहस नहीं है जमीन पर उतरने का, वो उसके दावे का हम क्या भरोसा करें। और ये पूरा देश बता रहा है, आप गली मोहल्ले कूचे काशी के, चाहे देश के किसी कोने में आप पूछ करके देख लीजिए, अब की बार 400 पार, चाहे पत्रकारों के बीच में मोदी जी जा रहे हैं, एक चाहे जनता के बीच में जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जहां जाइए, अब की बार 400 पार, 4 तारीख को, 4 जून को इसका परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। ऐसा आज तक किसी भी पक्ष ने कभी नहीं किया है। इस दम पे प्रधानमंत्री जी और योगी जी कह रहे कि हम 400 सीटें जीतेंगे। ऐसे नहीं कि हवा में बात कर दिया कि हम 400 सीटें जीतेंगे। रामगोपाल जी कह सकते हैं कि हम 100 जीतेंगे, मगर आप जब वोट जनता को देना है, जनता यहाँ सरकार बनाती है। इनके समय की लाठी और गुंडाई की सरकार नहीं बन रही है, ये जनता बना रही। जनता के बीच मोदी जी योगी जी लगातार रहे हैं। इस दम पे हम लोग 400 सीटों की बातें कर रहे हैं। चलिए, इस दम पे आप कर रहे हैं। आज तो एनडीए का जो सीट फॉर्मूला है वो तय हो गया बिहार में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका निभाएगी वहाँ पर। 17 सीट 16 सीट जेडीयू। देखिए, वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन नहीं, ये पूरा देश समझ रहा है। और दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। हम पिछली 2014 में 272 आते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी थी, लेकिन हमने जिससे वादा किया था, चाहे अकाली दल चाहे शिवसेना, उस समय के जिस सहयोगी थे सबको साथ में लिया अपना दल से लेकर के। दूसरी बार हम 303 आते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन फिर भी हमने सबका साथ लिया, सबको मंत्रालय दिया, सबको समाज में काम करने का अवसर दिया। तो हम अगर जो कहते हैं वो करते हैं धरातल पर, ये आज जुड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका अस्तित्व तो कहीं नहीं बचा देश में, इसलिए एक दूसरे की बैसाखी लेकर के चलना चाह रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को सहारा देकर के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चाहे जो भी दल हो राजनीतिक, हमारे अगर विचारधारा को समर्थन करता है तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पूर्ण बहुमत में होते हुए भी। तो ये हमारी कथनी करनी है, ये उनकी कथनी करनी है कि एक महीना पहले तक आम आदमी कहती थी, अखिलेश कहते थे कांग्रेस को मत वोट देना, बहुत चालू पार्टी है। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। तो हर कोई इनके बातों को देख चुका है और आज अपने आप को सेव करने के लिए, कोई चारा चोरी में है, कोई किसी चोरी में है, उससे बचने के लिए गठबंधन करके किसी तरह से जान बचाना चाह रहा है, लेकिन जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। बख्शने वाली ये इनका ये कहना है। बिहार के जो सीट शेयरिंग वाला फार्मूला है उस पर आपने नजर बनाया होगा, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो बड़े भाई की भूमिका है, यानी जेडीयू को बता दिया? देखिए, उसके भी पीछे जैसे हम लोगों क्या क्या होते हैं ना कि बूथ स्तर, अगर आज सारे लोग कहते हैं कि ये 400 सीटें कैसे बात करते हैं, हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, वार्ड प्रमुख, हर चीजों पे मेहनत होती है। आज मुझे बता दीजिए, किसी अन्य, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, किसी के पास संगठन के नाम पे क्या है? सिर्फ VVIP नेता है, किसी के पास जमीनी का करने वाले लोग हैं कार्यकर्ता? हमारे यहाँ व्यक्ति बूथ स्तर, पन्ना स्तर, कार्यालय स्तर का प्रभारी होता है और उसको बाकायदा मकान नंबर के वोटों के संख्या याद होती है। वो हर घर को अपना घर समझकर वोट वाले दिन मेहनत करके जनता को निकालते हैं, तब इस दम पे जीतते हैं। ऐसे नहीं कि डबल एसी में बैठे और नशा करके कुछ भी बोल दिया। चलिए एक अंतिम सवाल, ईवीएम पर विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पेपर से होने चाहिए थे वोट, ईवीएम पर फिर से निशाना है। निश्चित रूप से विपक्ष का ये निराशा है, ईवीएम पे वो आरोप लगाते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम फिर से सुर्खियों में है चुनाव के पहले। ईवीएम जब दिल्ली में केजरीवाल 67 सीटें जीतते हैं तब ईवीएम नहीं बदनाम होती है, कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो नहीं बदनाम होती है, पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो बदनाम नहीं हुई ईवीएम। आज इमरान खान पाकिस्तान से कह रहा है कि अगर ईवीएम से चुनाव पाकिस्तान में होता तो मेरे साथ धांधली नहीं होती।
लेकिन भारत के कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग जो कि धरातल पर अब जनता के बीच नहीं है, तो वो दोस्त ईवीएम की आड़ में अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये चेहरा जनता देख चुकी है, जान चुकी है, इसलिए इनको कहीं बचने का रास्ता नहीं है। तो देखिए 4 जून को परिणाम आ जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बनारस का भी सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।